कोरोना के बाद बर्ड फ्लू से पूरे भारत में दहशत। हिमाचल में अलर्ट, हरियाणा में सख्त हुआ प्रशासन, चंडीगढ़ में अफरा तफरी। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तरी भारत में पक्षियों के मरने के बाद जहां प्रशासन चौकन्ना हो गया है, वहीं चंडीगढ़ से सटे पंचकुला के बरवाला में पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के मरने के बाद प्रशासन हर बार चुप बैठ जाता है। कोरोना का यह भय अभी लोगों के मन से उतरा भी नहीं था, लेकिन अब उत्तरी भारत के लोग बर्ड फ्लू को लेकर दहशत में देखे जा सकते हैं। पंचकुला के बरवाला में हजारों पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहां लाखों मुर्गियां मरने की खबर आ रही है। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि कुत्ते मरी हुई मुर्गियों को किस कदर नोचते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले गाँव वासियों की कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है प्रशासन केवल आश्वासन देकर चुप हो जाता है। सवाल पैदा होता है, जैसे कोरोना चाइना से आया, क्या उत्तरी भारत में बरवाला से बर्ड फ्लू पूरे देश में फैलने का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म्स के मालिक यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि यह हमारे पोल्ट्री फार्म्स में नहीं, किसी और में होगा। इस संदर्भ में अर्थ प्रकाश की टीवी ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत की है। देखें क्या करती है स्वास्थ्य अधिकारी जसजीत कौर। जसजीत मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ अर्थ प्रकाश टीवी पैन। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज टू ऑल द व्यूअर्स। तो मैम, अभी जानने में ये आया है कि जो ये बरवाला एरियाज हैं, यहाँ पे ये मुर्गियाँ मरी हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है स्वाइन दिस बर्ड फ्लू को लेकर, है ना? तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे ये नोटिस में आया है कि अनयूजुअल मॉर्टेलिटी बर्ड्स में मिली है इस एरिया में, तो उसके चलते हमारे डिपार्टमेंट ने अपने जो एक्टिव सर्वेलेंस उसमें और अलर्ट पे आ गए हैं। साथ ही जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं, और जो भी उन्होंने भी कुछ सैंपल जो हैं अपने लैब्स में भेजे हैं बर्ड्स के, और उसकी पर अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो कंफर्म अभी नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि बर्ड फ्लू है। जैसे ही रिपोर्ट आगी तो उसके हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, पर विभाग तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्वेलेंस या प्रोफिलैक्सिस या जो भी इसके लिए प्रोटोकॉल आगे होगा उसको पूरी तरह से निभाया जाएगा। कि इफ इट इज बर्ड फ्लू तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, बर्ड फ्लू अगर कंफर्म होता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें इसको जो कलिंग ऑफ बर्ड्स इमीडिएटली अगर कर दिया जाए और ह्यूमन बीइंग्स में ये इन्फेक्शन ना पहुंचे, तो आगे इसका कोई ख़तरा नहीं है। तो हमारा नॉर्मली जिस तरह से एक खाने का सिस्टम है, जो हम नॉर्मली रॉ इस तरह से नहीं कंज्यूम करते, सारी कुक्ड मीट या पोल्ट्री या एग्स को ही यूज़ करते हैं, तो चांसेस ह्यूमन ट्रांसमिशन के कम हैं। पर हम सतर्क ज़रूर रहेंगे, अगर उस एरिया में कहीं पे फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो उनकी जांच की जाएगी, ताकि इसको टाइमली जो है चेक कर लिया जाए। हाँ, अगर जब जिन देशों में ये होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो उसमें डेफिनेटली एवियन फ्लू है, जो उससे ज़्यादा खतरा होता है नॉर्मल फ्लू से। ये भी पता लगा कि ये चीज़ें जो मुर्गियाँ मर रही हैं वो एक महीना पहले से हो रही हैं, ये मर रही हैं, राइट? तो अभी सैंपल अभी भेजे गए हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट आ जाता है कि ये तो बर्ड फ्लू ही है, तो जिन्होंने खाया होगा तो उनके लिए खतरा? हमने ये थोड़ा सा जैसे पता चला तो पहले भी देखा कि क्या कुछ एरियाज़ में, ख़ासतौर पे इनके जो वर्कर्स हैं उनमें किसी तरह के कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स या ज़्यादा बुखार या कुछ ऐसा है, तो वो नहीं पाया गया है जो हमारी रिपोर्ट आई है। तो अभी तक ऐसा नहीं लगता कि इसका कहीं फैलाव ज़्यादा हुआ है। अभी भी अगर समय से रिपोर्ट, पहली बात तो अभी कन्फर्म नहीं है, अभी तक रिपोर्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद। इसके दूसरे जो हमारे फ्लू हैं वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम है, बुखार हो जाता है, तो और अगर जो कुछ इस एरिया में लोग हैं या वर्कर्स हैं जैसे पोल्ट्री फार्म्स में, तो उनमें अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो उनको हम आइसोलेशन में भी रखते हैं और उनको उनका सैंपल भी लिया जाता है। तो सब लोग जनरली आजकल, क्योंकि दूसरा भी फ्लू है और कोविड भी है, तो उसके चलते जो हम एक
जनरल प्रिकॉशंस हम कहते हैं, मास्क सब लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ समय समय पर धोएं, और अगर बुखार या खांसी है तो जांच टाइम से कराएं। तो उसके लिए मैं सभी से यही आग्रह करूंगी कि तो अभी बोला जा रहा है कि ये सैंपल भेजे गए हैं लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया, तो क्यों देर क्यों हो रहा है मैम? ऐसा है, इस पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा प्रोसीजरली वो रहता है। हाँ, पर वो फॉलो अप कर रहे हैं जो एनिमल हस्बेंड्री वाले भी और हम भी, और इसके सैंपल जो सब जगह टेस्ट नहीं होते क्योंकि ये जो स्पेसिफिक उसके लिए, जैसे हमारे सैंपल पुणे गए हैं या दूसरे जो उनके हैं उनके शायद भोपाल में बर्ड्स के होते हैं, तो वो थोड़ा दूर भी है। हाँ, हमने जो अपने तरफ से जो जारी किया है तो उसमें ये बोला गया है कि इन एरियाज़ के में हमारे जो डॉक्टर हैं उसमें सतर्क रहें, और इस तरह के अगर कोई फ्लू लाइक पेशेंट्स आते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से देख के और आइसोलेशन में किया जाए। बाकी इलाज तो इसका दूसरे फ्लू की तरह सेम, बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ सैंपल से पता लगेगा, वो ऐसे नहीं पता, क्लिनिकली नहीं पता लगेगा। अगर पर सबसे पहली बात यह ना, अभी कंफर्म नहीं हुआ, बर्ड्स में भी नहीं कंफर्म हुआ, तो और ह्यूमन ट्रांसमिशन का जब अगर कोई केस कंफर्म होगा उसके बाद ही हम कह सकते हैं। अभी आज के लिए हम ये कहें कि एवियन इन्फ्लुएंजा है, वो नहीं है, हो सकने से पहले ही हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि ना हो। इस मुद्दे पर अर्थ प्रकाश टीवी ने बर्ड फ्लू को लेकर जताई जा रही आशंका पर प्रशासन की गंभीरता को भी जाना और पंचकुला डिप्टी कमिश्नर मुकेश आहूजा से बातचीत भी की। देखिए क्या कहा इन्होंने। ये अनयूजुअल मोर्टेलिटी की तो रिपोर्टिंग है ही, उसके बाद यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए, सैंपल जालंधर में जो लेबोरेटरी है भोपाल की मेन लैब का रीजनल सेंटर है वहाँ सैंपल्स भेजे हैं, तो सैंपल्स की अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी रीसैंपलिंग आज की जा रही है। इस रीसैंपलिंग की रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वही कन्फर्म मानी जाएगी। इस संदर्भ में अर्थ प्रकाश की टीवी ने बर्ड फ्लू की सच्चाई जानने के लिए बरवाला पोल्ट्री फार्म्स के मालिक से बात की। देखिए इन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा। हेलो, शशि चौरसिया बोल रही हूँ अर्थ प्रकाश टीवी से। कौन जी? सर अर्थ प्रकाश न्यूज पेपर से शशि चौरसिया बोल रही हूँ। हाँ जी सर, वो बरवाला एरिया में जो मुर्गियाँ मर रही हैं, तो आपका पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है? हमारा बरवाला में है जी। अच्छा, बरवाला में किधर? हाँ जी, कहाँ पे है बरवाला में? ये मेन रोड पर ही है जी, मोली। अच्छा, तो आपकी पोल्ट्री फार्म में भी कुछ इफेक्ट देखने को मिला? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है मैडम, ज्यादा फेक न्यूज ज्यादा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले की दया है, हाई लेवल ज्यादा हो रहा है, क्या समझे बात? नहीं लेकिन बोला जा रहा है कि ये बरवाला एरिया में ही 70,000 मुर्गी। नहीं नहीं, ओ सब क्या बताएं मैडम आपको, लेकिन डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि सैंपल लिए गए हैं तो। हाँ जी, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। देखो आपको पता है हाथरस में क्या हुआ था, वो रेप का होता है ना, वो निकला पहाड़ चुहिया, नहीं समझे बात, लड़की वालों को खुद मारा था, नहीं समझे बेटा? तो क्या हुआ, क्या है ये कन्फर्मेशन? कुछ भी फेक नहीं हो जाए जी, कोई इतने नहीं, कुछ थोड़ी बहुत किसी एक दो पोल्ट्री फार्मों में आई है, दो तीन पोल्ट्री फार्मों में आई है, बाकी सब ठीक है, हमारा भी बिल्कुल ठीक है, भगवान की दया। दूसरी पोल्ट्री फार्म में वही मुर्गिया मरी है ना? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा हाई लाइट नहीं हुआ है, क्या समझे बा, जैसे ठंडी है, ठंड होगी एकदम ज्यादा, पिछली ठंड नहीं पड़ी थी, वो केयर नहीं करी लेबर ने। अच्छा, जैसे पल्ली खुली रहेगी, अब देखो ना आदमी ठंड में बाहर ना रजाई के बगैर या कंबल के बगैर सोएगा तो बीमार होगी, डेथ भी होगी ना उसकी, नहीं समझे बात, अब शायद है लंबे लंबे शायद है, पल्लियाँ खुली रहेगी, रात को ठंड होगी, अब ठंडी में आदमी रात को सोएगा, अगर हमें भी आदमी को ओपन में सुनवा दो तो सवेरे हम जिंदा बचेंगे क्या, पीछे चार पांच दिन ठंडी नहीं पड़ी थी काफी? हाँ, तो अभी अचानक लाइक मौसम चेंज हुआ, इसकी वजह से हो रहा है? हाँ, ऐसी 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 ऐसा होगा, कई बार लेबर अनपढ़ लेबर होती है ना जी, शेड की पल्ली है जो है पर्दा ढकते हैं शेडों में, वो खुला रह गया, क्या समझे बात, उस कारण मटलती हुई है, कोई ऐसे वायरस के कारण नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।